हेलो गाइस, मेरा नाम है गुंजन कुमार और आप सबका स्वागत है न्यूज़ डिकोड में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एयरो इंडिया 2021 के बारे में और देखेंगे इस शो में क्या क्या नया चीज था और क्या क्या हाइलाइट्स थे इस शो के। लेकिन गाइस, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस शो में काफी सालों से जा रहा हूँ, बट इस बार का जो शो था वो काफी अलग शो था क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें थी जो फर्स्ट टाइम देखने को मिला और ये सब देख के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ हाइलाइट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इसमें पहला खबर है तेजस MK-1A को लेके। तो खबर ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दे दिया है और इसमें से 73 फाइटर्स हैं और 10 इसमें ट्रेनर्स हैं और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो है $6.5 बिलियन का, यानी कि 48,000 करोड़ रुपए, और ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डील है और ये डेफिनेटली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। तो बहुत ही अच्छा शुरुआत हुआ एयरो इंडिया 2021 का। और इस शो का अगला हाईलाइट रहा US एयरफोर्स का B-1B लैंसर, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं तेजस और B-1B लैंसर एक साथ फ्लाई करते हुए। और गाइज, मैं ये वीडियो देख के मैं मतलब ये सोच रहा था कि US एयरफोर्स का B-1B लैंसर कर क्या रहा है यहाँ पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन एयरफोर्स इसको सीक्रेटली इंडक्ट कर रहा है जैसे कि MiG-25 फॉक्सबैट को किया था। तो आपको क्या लगता है गाइज, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगला हाईलाइट रहा इस शो का ध्रुव का लेटेस्ट वर्जन यानी कि MK-4, और इसका डिजाइन देख के मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ। इसको आगे से थोड़ा सा और ज्यादा स्लीक लुक दिया गया है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन का बात करें तो 290 किलोमीटर पर आवर का इसका मैक्सिमम स्पीड है, इसका कॉम्बैट रेडियस है 320 किलोमीटर का और इसका सर्विस सीलिंग है 20,000 फीट का। और अगला हाईलाइट रहा RUAV, और ये इंडिया का फर्स्ट रोटरी ड्रोन है, और वैसे तो ये लास्ट टाइम भी डिस्प्ले पे लगा हुआ था बट इस टाइम इसको बाहर डिस्प्ले के लिए लगाया गया। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन का बात करें तो इसका एंड्योरेंस है 6 घंटे का, इसका रेंज है 150 किलोमीटर का और इसका सर्विस सीलिंग है 15,000 फीट का। अगला हाईलाइट रहा तेजस MK-2, और इसका मॉडल देखने में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट लगा मेरे को, और अगर ये टाइमलाइन फॉलो करता है तो इस महीने के अंत में इसका मेटल कटिंग सेरेमनी स्टार्ट होगा, देन अगस्त 2022 तक इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप भी रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि हर चीज टाइम पे होता है और इसके लिए भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ फ्यूचर में। अगला हाईलाइट रहा एयरफोर्स का LCH वेरिएंट, और ये अपने पेलोड के साथ डिस्प्ले पे लगा हुआ था और देखने में काफी शानदार लग रहा था ये। और खबरों की माने तो इस साल तक 8 ऐसे LCH इंडक्ट हो जाने चाहिए, तो आई होप कि ये भी टाइमलाइन अपना फॉलो करता है। अगला हाईलाइट और एयरो इंडिया 2021 का वन ऑफ द शो स्टॉपर आप बोल सकते हैं इसको, और ये था कैट्स वॉरियर। तो आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, कैट्स वॉरियर बेसिकली एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट बना है जो कि स्टार्ट हुआ था US एयरफोर्स के द्वारा, और करेंटली आई थिंक ऑफिशियली 3 से 4 कंट्री है जो इस पर काम कर रही है, जिसमें आता है रशिया, एक है चाइना, एक है अमेरिका और चौथा देश है इंडिया। और ये भविष्य में राफेल के साथ लॉयल विंगमैन की तरह उड़ेगा, उसको सपोर्ट देगा, और जब हमारे तेजस MK-2 रेडी हो जाएंगे और हमारे AMCA रेडी हो जाएंगे, TDPF रेडी हो जाएंगे, तो उनके साथ भी ये फ्लाई करेगा। और एक फोटो और मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसका, आप इस फोटो में देख सकते हैं 100 मिसाइल को जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है और ये इसके इंटरनल बे में लगा हुआ है, तो ये भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटो लगा देख के, मतलब DRDO और HAL एक साथ काम कर रही है बेसिकली इंटीग्रेशन के लिए पहले ही। अगला हाईलाइट था और वन ऑफ द शो स्टॉपर आप बोल सकते हैं इसको भी, और ये था AMCA। तो AMCA का एक फुल स्केल मॉडल लगा हुआ था जो कि कोटेड था एक कैमोफ्लोज कोटिंग से, और इसका मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा था, तो आई होप कि ये भी टाइमलाइन फॉलो करता है और इसका भी टेस्टिंग और प्रोडक्शन टाइम पे होता है। और आखिर में बात करना चाहूँगा मेरा पर्सनल फेवरेट TDPF के बारे में, और इसका डिज़ाइन देख के मैं मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे था। अभी तक अगर आप देखें तेजस MK-1, तेजस MK-2 ये डेल्टा विंग फॉलो कर रहे थे जो कि हमारे मिराज 2000 जैसे हैं, और आप AMCA को भी बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये F-22 रैप्टर से मतलब डिज़ाइन मैच होता है,
बट TDBF का जो डिज़ाइन था वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, और फिलहाल मेरे हिसाब से ऐसा कोई मतलब इस कॉन्सेप्ट पे प्लेन्स है नहीं बेसिकली। आगे से सेमी स्टेल्थ और कैनार्ड सिस्टम के साथ, और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो चाइनीज J20 से कर सकते हैं, जो कि वैसे तो वो क्लेम करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन प्लेन है, बट फिफ्थ जनरेशन प्लेन्स में कैनार्ड नहीं होते हैं, तो आप इनसे कंपेयर कर सकते हैं J20 को। आगे से स्टेल्थी रहेगा बट कैनार्ड्स भी है तो सेमी स्टेल्थी हो जाएगा ये। सो इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जस्ट आई होप कि हर चीज़ टाइमलाइन के साथ चलता रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। अगर लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।